hello everyone hope you enjoyed your utrayan now today we are going to start our new topic that is reproductive health the physical and mental well-being an individual is regarding as an individual's health to keep the body healthy every human being at any age needs to have a balanced diet the person must also observe personal hygiene and undertake adequate फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलेसंस हाउ एवर दिस बिकम इवन मोर असेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग जैसे कि हमें पता है कि हमें हमारी बॉडी के लिए जितना भी फिजिकल और मेंटल जितना भी हेल्थ का हम कॉन्शियस हो सके उतना रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम मेंटली फ्रेश रहेंगे तो हमारी बॉडी भी उतनी ही फ्रेश रहेगी तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी है तो वो एक बैलेंस रहे हमारा जो डाइट हम खाते हैं जो भी बैलेंस डाइट रखना चाहिए ताकि हमारे खाने में कोई एक चीज़ की ज़्यादा ना हो जाए या तो कोई चीज़ कोई एक ऐसी है कि जो ज़्यादा कम ना हो जाए तो एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए और स्पेशली एडोलेसेंस का टाइम है तो उसमें हमें जितने भी एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें हैं तो उसको ज्यादा से ज़्यादा कंज्यूम्स करना चाहिए मूविंग टवर्ड्स टू न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रिपीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि जो एडोलेसेंस का जो स्टेज है तो उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट है हमारी बॉडी का तो वो सबसे ज़्यादा होता है हैज़ द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान कि एडोलेसेंस के टाइम में जो डाइट प्लान है तो वो वेल प्लान होना चाहिए यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट कि हमने आगे पढ़ लिया है कि एक बैलेंस डाइट है तो वो किसे कहा जाता है रिकॉल दैट अ बैलेंसड डाइट मीन्स दैट द मील इंक्लूड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फेट्स एंड विटामिन इन रिक्वायर प्रपोशन तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं कि जितने भी जो ज़रूरिया हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट्स और विटामिन हैं तो उसको एक सही प्रपोशन में लेना चाहिए अवर इंडियन मील ऑफ रोटी और राइस दाल इन देंस पल्सिस एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस मील कि अगर हम इंडियन मील की बात करें तो जिसमें हम ये सारी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इट्सेल्फ कि जो मिल्क है तो वो पूरा का पूरा बैलेंस फूड है फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट कि फ्रूट है तो वो हमें न्यूट्रिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं फॉर इन फैंस मदर्स मिल्क प्रोवाइड फॉर ऑल द न्यूट्रिशंस देर दे नीड कि अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उसके लिए जो मधर का मिल्क होता है तो वो न्यूट्रिशनल माना जाता है पूरा का पूरा आयरन बिल्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफ़ी वेजिटेबल्स jaggery, मीट साइट्रस इंडियन gooseberry मतलब कि आमला आर गुड फॉर एडोलेसेंस अगर कहा जाए कि हमें एडोलेसेंस के टाइम में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए तो हमें ज़्यादा जिसमें से आयरन मिले ऐसी चीज़ें खानी चाहिए तो जिसके अंदर जितने भी लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं जैगरी है मीट है साइट्रस फूड फ्रूट्स जितने भी हैं तो हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं आंवला तो ये सारे गुड एक बैलेंस डाइट में आ जाते हैं चेक योर आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील इज़ द मील बैलेंस एंड न्यूट्रियस डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क मीट नट्स एंड पर्सीज विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ कि आप जो भी अपना लंच करते हैं डिनर करते हैं तो उसके अंदर सीरियल्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मिल्क मीट नट्स पल्सिस जो हमें प्रोटीन्स देते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव्स एनर्जी कि जैसे कि फैट्स और शुगर है तो वो हमें एनर्जी जल्दी से सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स कि क्या हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव फूड्स माने जाते हैं चिप्स एंड पैक्ड और टीम स्नैक्स थ्रू वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव एडिकुएट न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कि जैसे कि हम चिप्स खाते हैं या तो और जितने भी स्नैक्स जो पैकेट में आते हैं तो वो हमें रेगुलर मील्स में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो हमें जितनी मिलनी चाहिए बॉडी में तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकते नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू पर्सनल हाइजीन एवरी वन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीन एजर्स बिकॉज द इनक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमें दिन में एक बार तो एटलीस्ट नहाना ही चाहिए और स्पेशली जो टीन हैं मतलब कि आपके एज वाले तो उस क्या होता है कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो जिसमें से स्वेट ग्लैंड में से जो स्वेट निकलता है तो उसकी वजह से स्मेल आती है तो वो ना आए ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉस्ड एंड क्लिन एवरीडे इफ़ क्लिननेस इज नॉट मेनटेन्ड देर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टेरियल इन्फेक्शन कि अगर जो बॉडी है तो अगर सही टाइम से उसको वॉश नहीं किया गया तो जिसकी वजह से बैक्टेरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ सकते हैं गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैस्टोरियल फ्लो दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द मैस्टोरल साइकल्स एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑन साइड ऑफ मैस्टोरेशंस कि गर्ल्स को अपने मैंसुरेशन टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो ये हो गई पर्सनल हाइजीन की बात नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स कि आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं तो उसको वॉकिंग करना चाहिए जो भी आउट गोइंग आउटडोर गेम्स हैं तो वो ज़्यादा पसंद करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी फिट रहती है और हेल्दी रहती है नॉट टॉकिंग अबाउट से नो टू ड्रग्स एडोलेसन्स इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इन्सिक्योर इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाई दी डॉक्टर्स कि जैसे कि एडोलेसेंस का टाइम है तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से कोई आपको बोले कि भाई तू ड्रग्स ले तो जिसकी वजह से बहुत ही रिलैक्स फील करेगा तो उसको हमें डरेक्टली मना करना चाहिए ड्रग्स आर एडिक्टिव कि जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव होते हैं If you take them once, you feel like taking them again and again. कि अगर आपने एक बार लिया तो आपको बार-बार उसको लेने की आदत पड़ जाएगी। They harm the body in the long run, the brain health and happiness. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. कि आपने अगर AIDS के बारे में सुना होगा तो वो एक वायरस से होता है जिसका नाम है HIV. These virus can pass ऑन टू normal पर्सन from एन infected पर्सन बाय शेयरिंग द syringe used फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स तो ये इन्फेक्शन है जी ये बीमारी है एड्स तो वो कैसे फैलती है तो जब भी हम कोई चीज़ सिरिंज है तो अगर हम यूज़ करते हैं कि जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है तो अगर वो कोई ऐसे एड्स वाले पर्सन के पास में है और हम यूज़ करते हैं तो हम भी उसकी शिकार बन सकते हैं इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड टू एंड इन्फेंट फ्राम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क अगर कोई मदर एच आई वी पॉजिटिव है और उसका जो बेबी आ रहा है तो उसको भी एच आई वी हो सकता है द वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट विथ अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ एच आई वी तो हमें इससे डरना नहीं है पर क्या करना चाहिए हमें देखभाल रखनी चाहिए हमें थोड़ा हाइजीन हमारी खुद के लिए ये सारी चीज़ों में रखना चाहिए और स्पेशली हमें ड्रग्स है टॉबेको है स्मोकिंग है तो ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे मेंटली हेल्थ पे भी इतना ही असर करती है और हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी इतना ही असर करती है सो हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर टेन थैंक यू